उत्तराखंड में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने गई यूपी पुलिस की टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। इसमें ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को गोली लगी है, जिससे उनकी मौत हो गई है। इस झड़प में एसओजी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसमें से 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। साथ ही इस दौरान पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई की गई है और हथियार भी लूट लिए गए हैं। देर रात बरेली जोन के एडीएम राजकुमार मुरादाबाद पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों से जानकारी ली। उधर ब्लॉक उप प्रमुख की पत्नी की मौत की सूचना पर आक्रोशित ग्रामीणों ने उत्तराखंड के कुंडा थाने के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि 13 सितंबर को एसडीएम की टीम को बंधक बनाकर बजरी का डंपर छीन ले जाने के मामले में खनन माफिया जफर वांटेड था। जफर की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसके चलते बुधवार शाम पुलिस को इनामी जफर के यूपी उत्तराखंड सीमा पर मौजूद होने की जानकारी मिली। घेराबंदी की भनक लगते ही खनन माफिया उत्तराखंड भाग गया और वहीं पीछा करते हुए पुलिस जसपुर के ब्लॉक उप प्रमुख गुरुदास भुल्लर के गांव भरतपुर पहुंच गई। खनन माफिया जफर और उसके गुर्गों के साथ पुलिस की मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों तरफ से फायरिंग में जेश प्रमुख की पत्नी गुरप्रीत कौर के अलावा मुरादाबाद एसओजी टीम के सिपाहियों को गोली लगी। जी, पूरी घटना के अंदर इसके ऊपर गैंगस्टर भी लगा है और जफर का आज हाउट परसुएट किया गया। आज जो है सूचना मिली जब पुलिस टीम को यहाँ पर स्थानीय टीम को, तो इसको चेस किया गया और ये हमारे यानी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से होता हुआ उत्तराखंड की तरफ गया और वहाँ पर जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, घर में जाके इसने शरण ली। वहाँ पर जब पुलिस टीम पहुँची है तो वहाँ पर फोर्सफुली पुलिस टीम को बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के उपरांत वहाँ पर जो हमारे पुलिस कर्मियों का कहना है कि वहाँ पर पहले बहुत ही गंभीर रूप से मारपीट की गई और जब पुलिस कर्मियों ने भागने का प्रयास किया तो उसमें बेतरतीब फायरिंग भी की गई है। अभी शुरू में हमने बताया था कि 5 लोग इसके अंदर इंजर्ड है, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों की गोली लगी है। जो इंस्पेक्टर ठाकुर द्वारा है उनके बारे में भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गंभीर इंजरी है, बुलेट इंजरी संभवतः उनको भी हो सकती है पाँव के अंदर, और वो भी अपना इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। जफर जो है इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और बेसिकली जो है वहाँ पर जो टीम हमारी गई थी उसमें एसओजी की गाड़ी भी जो है वहाँ पर जलाई गई। सर, ये लोग ठाकुर द्वारा से सूचना मिली थी क्या हुआ? ये ठाकुर द्वारा से सूचना मिली थी, जैसा मैंने आपको बताया, ये ठाकुर द्वारा से सूचना मिली थी। यहाँ पर भी इन्होंने पुलिस के ऊपर, इस पार्टी ने हमला किया है जो अभी तक की जानकारी है। पुलिस की टीम ने जब इनको चेस किया है तो चेस करते हुए, जैसा कि आपको विदित है, ये बॉर्डर बहुत ही पोरस टाइप है और ये उत्तराखंड के अंदर घुसे हैं। उत्तराखंड के अंदर जब पुलिस टीम पहुंची तो जैसा मैंने बताया उन परिस्थितियों में इन्होंने इसको बंधक बनाया पुलिस टीम को और इस तरीके से हमला किया गया है। 13 सितंबर को जो एसडीएम साहब पर हमला हुआ था उसी के आरोपी थे ये? उसी के आरोपी थे जफर, और एसडीएम साहब पे जो हमला हुआ था उसके अंदर ये वांछित थे, ये नेम्ड अक्यूज थे, ये मौके के ऊपर थे और उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर भी लगा था और 50,000 के इनामी भी थे। सर, घायलों से आपकी बात हुई होगी फोन पे या वो, तो क्या बांध के उनके साथ मारपीट की गई है जैसा बताया जी? जैसा मैंने बताया कि जब पुलिस टीम ने वहाँ पर रिक्वेस्ट करी है कि आरोपी है ये हमको दे दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा जहाँ पर ये गए थे उनको नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस टीम को ही वहाँ पर बंधक बना दिया गया। और उसके बाद जब ये वहाँ से किसी तरह जो हमारे पुलिसकर्मी निकले हैं, इसमें कुछ पुलिसकर्मी हमारे अभी भी मिसिंग है, साथ साथ 3 वेपन जो हैं हम लोग के अभी मिसिंग हैं। इस संबंध में हम लगातार उत्तराखंड पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो हमारे मिसिंग लोग हैं उनको जल्दी से रिकवर किया जाए, उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है। कितने पुलिसकर्मी मिसिंग हैं और कितने घायल हैं? जी, अभी मैंने जैसा बताया इनिशियली जो मैंने हम लोग के पास 1.25 घंटे पहले की इन्फॉर्मेशन थी, टोटल 5 पुलिस कर्मचारी मिसिंग थे, 5 पुलिस कर्मी सॉरी इंजर्ड थे, जिसमें 2 को गोली लगी थी, 2 को मेजर फ्रैक्चर हुआ था, 1 को हेड इंजरी थी। और अभी जो अपडेट मिला है उसमें जो इंस्पेक्टर ठाकुर द्वारा हैं उनको भी गोली लगने की बात प्रकाश में आई। सर, एसओजी के जो इंस्पेक्टर है वो और एक सिपाही अभी भी मिसिंग है? जी, मैंने बताया कि वो मिसिंग है अभी, अभी हम लोग उनको ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ उनका लोकेशन है, वी आर जस्ट हमारी टीम वहाँ पर उनके साथ कोऑर्डिनेट। सर, घटना में जो महिला की मौत हुई है गुरप्रीत, जो उसका क्या कहना सर? गुरुतेज जो है वो भी खनन माफिया है जिसके घर में शरण ली जी, अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि वहाँ पर ये क्यों गए, उनके द्वारा क्यों शरण दी गई, इस बारे में अभी क्योंकि घटना शाम की है ये पूरा उसका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि वहाँ से भी हमको कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई है जिससे ऐसा लगता था कि ये वहाँ पर शरण ले रहा था क्योंकि ये वहाँ पर पहुँचा है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख की पत्नी गुरप्रीत कौर की मौत की सूचना पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। करीब 400 ग्रामीणों ने 4 लेन हाईवे को जाम कर दिया।
इसके बाद दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।